नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, टाइगर थ्री की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के एक और एपिसोड में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में ना केवल टाइगर थ्री के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे, बल्कि दोस्तों फिल्म को कितने स्क्रीन्स मिले हैं और दोस्तों इसका बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन रह सकता है, एडवांस बुकिंग कितनी हुई है, ऋतिक रोशन का केमियो है वो कितना लंबा है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, टाइगर थ्री का जो हिंदी 2D है उसको 9.20 करोड़ की एडवांस बुकिंग अब तक मिल चुकी है और दोस्तों करीब 343,992 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। वही दोस्तों 257 एवरेज टिकट प्राइस है और दोस्तों करीब 11,762 शो है, 11,762 शोज है। वही दोस्तों अगर हिंदी IMAX 2D की बात करें तो यहाँ पे 46 लाख रुपए की टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है, ये करीब करीब मैं आपको बता दूं कि 7,537 टिकट्स सोल्ड आउट हो चुकी है और 634 एवरेज टिकट प्राइस है, जबकि दोस्तों 134 शोज है इसके हिंदी IMAX 2D के। वही दोस्तों अगर हिंदी 4DX की बात करें तो यहाँ पे 9.63 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, 1584 टिकट्स बेचे जा चुके हैं और दोस्तों 675 एवरेज टिकट प्राइस है, 64 शोज है। वही दोस्तों अगर हिंदी ICC फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पे करीब 56,800 रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है, इसमें 91 टिकट्स बेचे गए हैं, 616 एवरेज टिकट प्राइस है और मात्र 6 शो है यहाँ पे। वही दोस्तों अगर बात करें तेलुगु 2D की तो यहाँ पे 12.46 लाख रुपए की 12 लाख के करीब एडवांस बुकिंग हुई है तेलुगु से और दोस्तों करीब 10,295 टिकट सोल्ड आउट हुई है, 131 यहाँ पे एवरेज टिकट प्राइस है, काफी कम रहती है हिंदी के मुकाबले वहाँ पे। और दोस्तों 444 शोज है तो शोज ज्यादा है नहीं है, ठीक ठाक है। और तमिल में तो बहुत ही कम हुई है, अभी तमिल 2D की बात करें तो 21,900 की केवल 21,000 रुपए की अभी एडवांस बुकिंग हुई है, 343 शो है केवल और दोस्तों करीब 143 एवरेज टिकट प्राइस है और 39 शोज है, 343 टिकट बिकी है, सॉरी 343 टिकट बिकी है और केवल 39 शोज है। तो इन सब का टोटल लगा दूं मैं तो 9.89 करोड़, 9,89,00,000 करीब करीब 10 करोड़ मानिए आप, 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग टाइगर 3 की हो चुकी है और करीब 363,482 टिकट्स बेचे जा चुके हैं, जिसमें से केवल नेशनल थिएटर चेन्स PVR आइनॉक्स सिनेपोल्स में भी करीब 100 लाख से ज्यादा टिकट्स बेचे जा चुके हैं। तो दोस्तों टोटल शोज की बात करें तो 12,464 शोज यहाँ पे टाइगर 3 को अब तक मिल चुकी है, तो काफी बड़ी रिलीज है। तो दोस्तों इस एडवांस बुकिंग को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 35-40 करोड़ की ओपनिंग ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे लेनी चाहिए, अभी अभी आज का प्रेडिक्शन ही है। आगे देखते हैं कि आने वाले, आज 9 दिन हुए तो आने वाले दिनों में किस प्रकार की एडवांस बुकिंग ये फिल्म प्राप्त करती है और ओवरसीज से भी अच्छी एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट है। तो टोटल मिलाकर के अगर ओवरसीज का कलेक्शन की बात करें तो 40-50 करोड़ वहां से आ सकता है फिल्म के लिए, तो कुल मिलाकर के दोस्तों करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन पहले दिन रह सकता है, अभी तक मेरा अनुमान ही है, ट्रेड का भी लगभग यही रिपोर्ट आ रही है। दोस्तों जहां तक इसके स्क्रीन काउंट्स की बात करें तो भारत में कम से कम 4,500 स्क्रीन पर यह फिल्म रिलीज होने वाली है, तो डेफिनेटली एक बड़ी रिलीज है। वर्ल्ड वाइड कम से कम 7,000 स्क्रीन पर यह फिल्म रिलीज होने वाली है, अभी तक 4,500 स्क्रीन की रिपोर्ट है कि कम से कम 4,500 स्क्रीन पर रिलीज होगी। दोस्तों जहां तक इसके रन टाइम की बात करें तो मैं आपको रन टाइम भी बता देता हूँ, इसका रन टाइम रिवील हो गया है, 2 घंटे 36 मिनट की ये फिल्म है, 2 घंटे 36 मिनट की, तो अच्छी खासी लेंथ है, ठीक है, इतनी लंबी होनी भी चाहिए फिल्म। अब देखते हैं फिल्म कितना दर्शकों को इम्प्रेस कर पाती है। जहां तक दोस्तों बात करें ऋतिक रोशन के केमियो की तो ये भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि ऋतिक रोशन का इसमें जो केमियो है वो 2 मिनट 22 सेकंड का है, 2 मिनट 22 सेकंड का केमियो होने वाला है और दोस्तों करीब करीब ये कब शूट किया गया है, ये 4 नवंबर को शूट किया गया है। तो इतनी सारी जानकारी आपको मैंने इस वीडियो में दी है टाइगर 3 से रिलेटेड, आशा आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशंस मिलते रहे। धन्यवाद आपका, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।